तो सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा अपन सत्यफल। क्या पढ़ेंगे? सत्यफल। अब सबसे पहले सत्यफल की परिभाषा देखो तुम। ऐसा फल जिसका निर्माण केवल और केवल अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। ध्यान से देखो, स्त्री केसर के तीन भाग बताए थे, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो जब निषेचन होता है तो निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में। ये जामफल का पहले क्या रहा होगा? निषेचन से पहले अंडाशय, और निषेचन के बाद में ये किसमें बदल गया? फल में बदल गया। अंडाशय निषेचन के बाद किसमें बदल गया? और अंडाशय के अंदर भरे थे बीजांड, और वो बीजांड किसमें बदल गए? बीज में। तो ये एक निषेचित फल है। निषेचन के बाद ये फल बना, तो इसमें आपको भर भर के बीज देखने को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ठीक है, तो बीजांड निषेचन के बाद किसमें बदल गए? बीज में। तो ये रहे बीज। और अंडाशय निषेचन के बाद किसमें बदल गया? फल में, है ना। और ऐसा फल जिसका निर्माण केवल और केवल किससे होता है? अंडाशय से। क्या कहलाता है? सत्य फल कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखो आप। अगला आभासी फल। कौन सा फल? आभासी। ऐसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से भी होता है। मतलब अंडाशय से तो होता ही है, लेकिन फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग। पुष्पासन का नाम सुना है? पुष्पासन, जिस पर पुष्प पत्र लगे रहते हैं, उनकेसर, स्त्री केसर, दल और बाह्य दल, पुष्प के बैठने के स्थान को क्या कहेंगे? पुष्पासन। तो बच्चों ध्यान से देखो, सेव फल एक आभासी फल है, कूट फल है, फॉल्स फ्रूट है। क्यों? क्योंकि इसके फल के निर्माण में पुष्पासन थैलेमस भाग लेता है। पुष्पासन या थैलेमस भाग लेता है, और हम जो खाते हैं वह पुष्पासन ही होता है। अब तुम इसमें ध्यान से देखो, आप इसके अंदर क्या खाते हैं? ये खाते हैं, ये खाते हैं, ये क्या है? पुष्पासन। अंडाशय नहीं है, क्या है? इसमें आप अंडाशय खा रहे हैं बेटा, निषेचित अंडाशय, है ना। लेकिन इसमें क्या खा रहे हैं आप? पुष्पासन। और अगर आप इसमें देख पा रहे हो तो बेटा ये देखो आप, ये रहा इसमें अंडाशय, दिख रहा है? हाँ। ये इसमें अंडाशय है, और ये इसका वास्तविक फल, मतलब इसके अंदर वास्तविक फल भी है, और देखो इसमें निषेचन भी हुआ था। बीज बन रहे नहीं बन रहे इसमें? तो इसमें बीज भी बन रहे, यानी निषेचन तो हुआ और इसमें फल भी बना। लेकिन हम सेव फल में निषेचित अंडाशय नहीं खाकर क्या खाते हैं? पुष्पासन खाते हैं। तो क्या परिभाषा हुई? ऐसा फल जिसके निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग, जैसे कि पुष्पासन भी भाग लेता है, तो क्या बोलेंगे इसको? आभासी फल। आभासी फल का और उदाहरण बताता हूँ आपको मैं, नाशपाती खाई, और ये क्या है? सेव फल खाया। अनानास, पाइनएप्पल, वो भी क्या है? आभासी फल। ये तीनों आभासी फल के उदाहरण हुए, है ना। अगला देखो बच्चों, यह है अनिषेक फल। अभी हमने क्या कहा? अंडाशय निषेचित होकर फल बनाता है, लेकिन ये दो फल देखो आप, अंगूर और केला, इनमें अंडाशय बिना निषेचन के ही फल बन गया, निषेचन ही नहीं हुआ, और अंडाशय किसमें बदल गया? फल में। अंगूर एक क्या है? फल है। और इसमें बिना निषेचन की। ऐसे फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं। क्या आपको अंगूर में बीज दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। तो अब अनिषेक फल की क्या परिभाषा है देखो आप। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है। अंडाशय बिना निषेचन के ही क्या बना लेता है? फल। ऐसे फलों को क्या बोलते हैं? अनिषेक फल। और इस घटना को बोलेंगे अनिषेक फलन। और ऐसे फलों में बीज नहीं होते। ये देखो आप, दूसरा केला देख रहे हो आप, क्या केले में आपको बीज दिखाई दे रहे? नहीं, यानी इसमें भी अंडाशय बिना निषेचन के किसमें बदल गया? फल में। ठीक है, और ध्यान से देखना बच्चों, इसमें आपको बीच में एक काली काली लाइन भी दिखाई देगी। ये काली लाइन दिखते है ना केले में, यहाँ बीजांड है लेकिन निषेचन हुआ ही नहीं है, तो बीजांड बीज भी नहीं बन पाए। और मैंने आपको एक बार उस पे मोबाइल पे दिखाया था कि केलों में बीज भी पाए जाते, वो केले कैसे बनते हैं? निषेचन से, उनमें निषेचन होता है और बीज भी बनेंगे। इसी ये देखो, इसी को समझाने के लिए मैं, ये अंगूर क्या इसमें बीज है? अनिषेक फलन। लेकिन देखो बेटा, आप कई बार आपने घर पर ये दाग मुनक्का खाए होंगे, ठीक है, ये भी अंगूर से ही बना है, लेकिन इसमें बीज होते हैं, यानी ऐसे अंगूर में डेफिनेट रूप से क्या हुआ होगा? निषेचन। दिख रहे हैं बीज?
ये देखो आप, ये इसमें बरबर के बीज है, ये देखो आप, दिख रहा है बीज? हाँ। तो ये वाला जो अंगूर है इसमें क्या हुआ होगा? निषेचन। तो निषेचन हुआ होगा तो फल तो बना ही है और साथ में बीजांड भी क्या बन गए? बीज बन गए। तो ये जो दाग मुनक्का है ये अंगूर, इनमें निषेचन से फल बना है। इसी प्रकार मैंने केला भी आपको दिखाई दिया था मोबाइल पर। तो अनिषेक फलन किसे कहेंगे? जब अंडा से बिना निषेचन के क्या बन जाए? फल। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? अनिषेक फलन। क्लियर है ये मैटर? ठीक है। और देखो जिन भी फलों में बीज पाए जाते हैं, ठीक है, वो सब किसके द्वारा बनते हैं? निषेचन के। फल का मतलब बेटा केवल जामफल, सेवफल, अंगूर, केला ही नहीं होता। फल का मतलब करेला भी एक फल है, देखो बीज है ना उसमें। कद्दू भी एक फल है, लौकी भी एक फल है, तरबूज, ये तरबूज भी एक फल है। ये सब क्या है? फल। अब आप कल्पना करो, वैज्ञानिकों ने ऐसा तरबूज बना लिया बेटा जो बिना निषेचन के फल बन जाता है, अब उसमें क्या नहीं रहेंगे? बीज। बस काटा और खचखचखच। दिक्कत आती है ना, तरबूज खाते हैं तो बीज को थूको, दिक्कत नहीं आती है क्या? थूकना पड़ता है। तो वैज्ञानिकों ने बिना निषेचन वाला ही क्या बना लिया? तरबूज बना लिया, जिसमें बीज ही नहीं रहेंगे, केवल क्या रहेगा? फल ही फल रहेगा। जैसे ये देखो आप अंगूर उठाया और क्या थूकना, इसको खाओ, ठीक है, दिक्कत आती है ना ऐसे। तो आम एक सत्य फल है क्योंकि वह केवल अंडाशय से बनता है। बोर एक सत्य फल है क्योंकि वह अंडाशय से बनता है निषेचन के बाद में, ठीक है। और ये सेवफल एक आभासी फल है क्योंकि ये केवल अंडाशय से ही नहीं, अंडाशय के अतिरिक्त यह पुष्पासन से बनता है। और सेवफल में खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पासन। इसलिए यह हो गया आपका आभासी फल। आभासी फल के उदाहरण याद रखोगे नाशपाती, अनानास और सेव फल। और सत्य फल के तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आम, अमरूद, बेर, आप चाहो तो करेला लिख दो, है ना, कद्दू लिख दो, है ना ये। और अगले अनिषेक फल, बिना निषेचन के अंडाशय किसमें बदल जाता है? फल में बदल जाता है।